चैनल सुनीता क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज हम आपको गोभी मंचूरियन की रेसिपी बताएंगे। यह बहुत ही जल्द बनने वाली रेसिपी है। अभी ठंड का मौसम है तो काफ़ी सारी सब्जियां भी निकलती है, जैसे गाजर, कैप्सिकम, धनिया पत्ता, और आप अपने इच्छा अनुसार इसमें सब्जी ऐड कर सकते हैं। यहाँ हम इसे बनाए हैं गोभी के साथ, हमने कैप्सिकम, गाजर, शिमला मिर्च सब डाल के बनाए हैं। आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर इसे किस तरीके से हम बनाते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। गोभी मंचूरियन बनाने के लिए हम सबसे पहले 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे, 4 चम्मच मैदा लेंगे, 1 मिक्स पाउडर है, सभी मसाला मिला हुआ है, इसे हमने घर में बनाया है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसे हम 1 टेबल स्पून डालेंगे। फिर स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स करना है। इसे देखिए हमने घोल लिया है, यह ज़्यादा बैटर इसका पतला भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इस तरीके का होना चाहिए। एक गोभी छोटे छोटे पीसेज हमने कर लिए हैं, इस तरीके का पीस कट कर लेंगे और इसे अच्छी तरीके से धो लेंगे। और यहाँ देखिए हमने ये कढ़ाई में ऑयल डाले हैं, हमारा ऑयल बिल्कुल तैयार है इसे फ्राई करने के लिए। अब हम इस बैटर में एक एक करके जो है गोभी को डालेंगे इस तरीके से, और इसे ऑयल में डालेंगे। अब इसे हम पलट देंगे और फ्लेम को मीडियम रखेंगे, हल्का इसे ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। अब यह देखिए हमारा हल्का ब्राउन हो गया है, अब हम सारे गोभी को निकाल लेंगे। फिर इसी तरीके से जो है सारा गोभी को हम फ्राई कर लेंगे। इसे भी हम देखिए अब यह हमारा तैयार हो गया है, ब्राउन फ्राई हो गया है, इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम देखिए सारे गोभी को फ्राई कर लिए हैं। इसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में थोड़ा सा 2 टेबल स्पून हम ऑयल डालेंगे। उसके बाद हम इसमें यहाँ देखिए हम कैप्सिकम लिए हैं कटा हुआ, इस तरीके का होना चाहिए, और यह गाजर है ये लंबा कटा होना चाहिए, प्याज भी इस तरीके का लंबा होना चाहिए कटा हुआ, अदरक और यह लहसुन के हमने थोड़े से लिए हैं टुकड़े, और यह हरी मिर्च है अपने इच्छा अनुसार दे सकते हैं। सबसे पहले हम ऑयल में अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे,
मिर्च डालेंगे। यह कद्दूकस किया हुआ है अदरक लहसुन का पेस्ट जो है, अब अदरक लहसुन और मिर्च के जो पेस्ट है उसे हम थोड़ा भून लेते हैं, इससे अच्छा टेस्ट आता है मंचूरियन में। अब यह देखिए भून गया है, अब इसमें हम प्याज डालेंगे, गाजर के टुकड़े डालेंगे, फिर कैप्सिकम डालेंगे, इसे भी हम अच्छे तरीके से थोड़ा सा पका लेंगे, इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे हमें पूरा नहीं पकाना है। इसमें हम एक चम्मच सोया सॉस डालेंगे, इसे हम अच्छे तरीके से मिलाएंगे, फिर इसके बाद हम इसमें चिली सॉस डालेंगे, दो टेबल स्पून चिली सॉस डालना है। इसमें हम एक टेबल स्पून टोमेटो केचप डालेंगे, एक और चम्मच हम इसमें डाल देंगे टोमेटो केचप, फिर इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। यहाँ जो हमने पहले से घोल बना के रखा था इसमें थोड़ा सा हम और पानी मिक्स कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे यहाँ इसका ग्रेवी हम तैयार कर लेंगे। इसमें देखिए अब हम 5 मिनट इसे पकाना है, थोड़ा सा हम इसमें पानी डाले हैं ग्रेवी ताकि हमारा अच्छे तरीके से बन जाए और इसे थोड़ा हम पका लेते हैं। अब हमारा देखिए ग्रेवी बनके तैयार हो गया है, इसमें अब हम ये फ्राई किए हुए सारे गोभी को डाल देंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। हमारा ये गोभी मंचूरियन बनके तैयार हो गया है, इसके ऊपर से हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। इस तरीके से देखिए यह मेरा गोभी मंचूरियन बनके तैयार हो गया है, आप भी इसे ट्राई करें। ये देखिए हमने इस तरीके का देखिए गोभी मंचूरियन हमारा इस तरीके का खाएं, बहुत अच्छा लगेगा, रोटी के साथ चावल के साथ खाएं बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।